हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज का कोरोना अपडेट। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 57,000 नए केसेस मिले हैं। 222 की मौत हुई है। मुंबई में भी पहली बार 11,000 से ज़्यादा मामले मिले हैं। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666-47-111-0। धन्यवाद। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। महाराष्ट्र में तो संक्रमितों की संख्या हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। यहाँ रविवार को 57,074 केसेस सामने आए। इसी के साथ यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 30,00,000 के पार हो गई है। प्रदेश की राजधानी मुंबई में पहली बार एक दिन में 11,000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। 11,163 केस में मुंबई में अप्रैल की शुरुआत में 4 दिन में हर रोज़ 8,000 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र के ही पुणे में 12,494 और नागपुर में 4,110 मरीज मिले हैं। नागपुर में 62 मौतें भी हुई हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 4 महीने में सबसे ज़्यादा 4,033, यूपी में 4,164 और कर्नाटक में 4,553 पॉजिटिव सामने आए हैं। यूपी में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। देश में शनिवार को 92,994 संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 60,049 लोग ठीक हुए और 514 लोगों की जान गई। एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की बात करें तो बीते 199 दिन में 6 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे पहले 17 दिसंबर को 96,787 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। मौत के मामले में लगातार दूसरे दिन भी 500 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। इससे पहले शुक्रवार को 713 लोगों की मौत हुई थी। सोमवार दिन 5 अप्रैल को शाम 8 बजे से 30 अप्रैल तक होगा कार्यान्वयन का साप्ताहिक, यानी शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। कृषि कार्य, सार्वजनिक और निजी परिवहन शुरू रहेंगे, लेकिन निजी ऑफिस, रेस्टोरेंट, फिल्मी भीड़भाड़ वाली जगहें बंद रहेंगी। अर्थव्यवस्था को कोई झटका नहीं लगेगा। मजदूरों को परेशान ना करते हुए ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी से इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि विपक्षी दलों से भी बात की गई है और उन्होंने इस मामले में सहयोग करने का तैयारी भी दिखाई है। प्रदेश में धारा 144 लागू होगी। सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक भीड़ यानी 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा करना मना रहेगा। इसी तरह शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी उचित कारण के बिना बाहर नहीं जा सकता कोई भी। इसमें चिकित्सक और अन्य आवश्यक सेवाओं को शामिल किया गया है। अब से मिशन अगेन अगेन के बजाय इन आदेशों को ब्रेक द चैन कहा जाएगा। इस अवधि में सभी प्रकार के यातायात नियमित रूप से जारी रहेगा। वित्तीय सेवाओं को छोड़कर निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में 50% उपस्थिति, प्रार्थना स्थल बंद, दैनिक पूजा हो सकती है, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह से बंद, ले जा सकते हैं पार्सल, सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेगी। ई कॉमर्स सेवाएं शुरू, अखबारों की छपाई और वितरण शुरू रहेगा।